Let's see a practical question. Now A Limited has identified six possible reporting segments. Possible. They are not they are not decided yet A, B, C, how Now we have to select which can be a separate segment. A, B, C, D, E, F. There are six of them. Total sales are given and individual sales are given.

हज़ार दो सौ पंद्रह से ज़्यादा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लें अगर तो टोटल प्रॉफिट आपका बनता है नाइन्टी तो आप टेन परसेंट का लें तो नाइन बनता है नोट अगेन कि इसमें जो लॉस मेकिंग सेगमेंट है उसको इग्नोर करेंगे हमें लॉस मेकिंग सेगमेंट को नहीं रखना होता है बिकॉज टेस्ट इज बेस्ड ऑन नॉन लॉस सेगमेंट लॉसिस मेकिंग सेगमेंट को हम हिस्सा नहीं बनाते है. अब इसमें ए सी डी और ई e जो है इनका प्रॉफिट नाइन से ज़्यादा है और आइडेंटिफाइबल एसेट्स को अगर लें टोटल एसेट्स आपके नाइन सेवेंटी हैं और इसका टेन परसेंट लें तो ये नाइन्टी सेवन बनता है और इसमें आपका सी डी ई मीट टेस्ट रहा है ये तीन टेस्ट यानी अब आप इसमें देखें कि द रिपोर्टिंग सेगमेंट्स आर देर फोर बी ए सी डी और ई e. तो बाकी इसमें जो दरें हैं एफ और ई e, एफ और बी वो उसको निकाल देंगे हमारे छः में से हम चार को एज ए सेगमेंट ट्रीट करेंगे अच्छा इन चारों की आप टर्न को ऐड करें और उसको फिर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल टर्न के साथ कंपेयर करें सेवेंटी फाइव परसेंट बनती है वन सिक्स वन टू फाइव और टोटल की यानी ए बी सी डी की जो टोटल टर्न बनती है वो बन जाती है टू थाउजेंड so it means it meets the criteria of total sales as well so this is how we select segment reporting purpose now how the select the segment itself thank you very much